छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में हरेली का पर्व बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। ये पर्व राज्य की संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। दरअसल सीएम अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने का काम कर रहे हैं। बता दें कि उनके कार्यों से देश भर को छत्तीसगढ़ी भाषा, कला, संस्कृति और सभ्यता को जानने का मौका मिला है। इस दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित किसान स्व सहायता समूह के लोग शामिल हुए, जिसे लेकर एमकेएन की संवाददाता चित्रा पटेल ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। भूपेश बघेल के निवास में हरेली का त्योहार पर्व मनाया गया। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम मौजूद है। आज आप लोगों ने सीएम हाउस में हरेली त्योहार मनाया, क्या संदेश रहेगा? सीएम हाउस में सब त्योहार मनाए जाते हैं, जितने त्यौहार छत्तीसगढ़ के हैं सब यहाँ मनाते हैं हम लोग। और आज छत्तीसगढ़ के किसानों का सबसे बड़ा त्यौहार और छत्तीसगढ़ की पहली त्यौहार हरेली के त्यौहार आज छत्तीसगढ़ के पूरे लोग यहाँ पे आए हुए हैं सीएम हाउस में। सब लोग उसको अच्छे ढंग से मना रहे हैं। सबको पूरे प्रदेशवासियों को हरेली की बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। धान खरीदी, उसके बाद गोबर खरीदी, अब गोमूत्र खरीदी भी। हम लोग अभी देखें कि 17 करोड़ जो बहनों को आज जो हम लोग दिए हैं उनकी राशि जो दिए हैं, जो जो काम कर रहे हैं उसमें गोठानों में जो काम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी राशि जब जा रहा है और किसानों की और हमारे जो बहनों के जो जब जेब में जब पैसा जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ की खुशहाली यहाँ पर आएगी और लोगों को अच्छा लगेगा।